हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ मैं। और बताओ आप सब कैसे हो? लाइब्रेरी पहुंच गई थी, फिर मैंने न्यूज़पेपर देखा एंट्री करके। यह इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, फिर मैंने हिंदू थोड़े मिनट देख के फिर मैं ऊपर आ गई लाइब्रेरी में, क्योंकि ड्रैगन फ्लावर है। फिर हर डेली के टाइम ही कोई नहीं आया यहाँ पर, ओनली मैं ही थी। एक भैया बैठते थे आज, वो भी नहीं आए थे, तो मैं ही थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ लाइब्रेरी का। ये यहाँ गर्ल्स वगैरह बैठती हैं, और जो जिनकी सीट कंफर्म होती है ना, तो उसमें एक दरवाज़ा दे रखा है गेट, तो उससे आप देख सकते हैं बाहर का। या फिर आपको कॉल वॉल पर बात करनी हो किसी से तो कर सकते हो। फिर मैं वहाँ से आके मैंने सोचा चलो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मैंने बैग से अपनी बुक वगैरह सारा सब कुछ निकाला, जो भी मेरी बुक्स वगैरह थी ना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी बुक छोड़ के नहीं जाती, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। फिर मैंने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया था स्टडी के लिए। ये फिर मैथ की बुक है, आप जानते होंगे गगन प्रताप सर को, जो बच्चे मैथ पढ़ते होंगे सभी SSC वाले स्टूडेंट हैं, जो बहुत ही अच्छी बुक है। फिर मैंने अपना स्टडी का स्लॉट स्टार्ट कर दिया। मैंने 5 घंटे का लगातार सेशन स्टार्ट किया था, तो इसमें सबसे पहले मैंने अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, मतलब कल भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर ली थी। आज 2nd चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने। तीन घंटे की स्टडी करने के बाद मैंने सोचा चलो एक और घंटे में अपनी तैयारी को अब तैयारी में टाइम देती हूँ। मैं थक तो बहुत गई थी क्योंकि लगातार। फिर मैंने स्टैटिक का पोर्शन उठाया, और ये मेरा स्टेनो का फॉर्म है जो कल मैंने फिल किया था, तो इसमें मेरे कल मैंने 20 लर्न कर लिए थे। तो अब मैं आगे के लिए लर्न कर रही थी कि साथ ही साथ याद करते जाओ तो अच्छा रहता है। और ये आप देख सकते हो कि APS का पढ़ती हूँ मैं, RO ERO का नहीं पढ़ती। आप सोच रहे हो कि मैं RO ERO, क्योंकि APS के सारे मोस्टली जो चैप्टर है ना वो थोड़े बहुत मिलते हैं, बट इसमें कंप्यूटर नहीं है RO और ERO में, APS में कंप्यूटर है। तो फिर मेरा ये कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ी देर सोचा कि चलो मैं अपना जो मैंने दीवार पे रखा रखा है ना डेस्क पे, तो ये मैंने याद करना शुरू कर दिया क्यू वगैरह, जो कि मैंने कल भी आपको बताए थे। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा भूख लगने लगी मेरे को, फिर मैं स्नैक्स लेके आई थी नमकीन वगैरह, तो फिर मैंने ये खा ली। अगर ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, और नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी। फिर पानी वगैरह पी के
फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो वो मेरे से बोल रही थी कि यार मेरा नंबर लगाया ही हो। मैंने सोचा एक घंटे और पढ़ लेती हूँ फिर उसके बाद, नहीं तो टाइम पूरा ही वेस्ट चला जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए अपना आध घंटे का टाइम निकाला। कैलकुलेशन करना भी ज़रूरी है, जब तक मैथ में और रीजनिंग में कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। और आपको पता है कि टाइम कितना कम मिलता है एग्जामों में। फिर मैं ये आध घंटे की करने के बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड का नंबर लगाने के लिए चली गई थी, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है थोड़ा कान में इस वजह से। तो उसका 8 नंबर था। यहाँ से नंबर लगाने के बाद मैं अपना लाइब्रेरी दोबारा आ गई थी। कितने बजे तक आया? नंबर आने में 12 बजे नंबर आता, जब तक मैं क्या करती, फिर आके मैं अपना दोबारा पढ़ने लग गई। और आप देखो इतने मन लगा के सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और फिर बज गए थे 11:30 बजे या 12 बज गए थे करीब। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री करके घर के लिए निकल गई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, और मेरे को ज़रूर बताना कि और कैसे ब्लॉग बनाऊँ, और मेरे को सजेशन देना और क्या ऐड करना चाहिए। तो यहाँ से निकलने के बाद ही मैं अपने फ्रेंड के पास पहुँच गई थी, वो मेरे को क्लिनिक पर ही मिल गई थी। मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको ब्लॉग। बाय बाय गाइस।